स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है एक कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, यानी कि और ये इवेल्युएशन एजुकेशनल प्रोग्राम के हर एस्पेक्ट की इवेल्युएशन करता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव है या करिकुलम है, कुछ भी ले लीजिए, एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उसमें जितने भी एस्पेक्ट आते हैं उनमें सबकी इवेल्युएशन करता है, जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो। और इसके लिए हमने एक बात और की थी पिछले लेक्चर में, हमने बात की थी कि जो इवेल्युएशन है उसके लिए जब हम, चाहे हम टीचर की इवेल्युएशन करें या स्टूडेंट की करें या किसी भी चीज़ की इवेल्युएशन करें, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जैसे हम कई बार टेस्ट यूज़ करते हैं, कई बार ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं, कई बार इंटरव्यू यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो इवेल्युएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं एजुकेशनल प्रोसेस को। तो जब भी एक इवेल्युएशन टूल जो बनाया जाता है, जो भी इवेल्युएशन टूल यूज़ किया जाता है, चाहे हम स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए करें, चाहे टीचर को करें, किसी भी एस्पेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए जो भी एजुकेशनल टूल यूज़ किया जाता है, जो भी इवेल्युएशन टूल जो यूज़ किया जाता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड इवेल्युएशन टूल। फर्स्ट जो क्वालिटी है एक वैल्यूएशन टूल की, वैलिडिटी। एक अच्छे वैल्यूएशन टूल की या टेक्निक की, चाहे वो ऑब्जर्वेशन है या कोई टेस्ट है, तो उसकी एक क्वालिटी है कि वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मीन्स वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है, वो उसी चीज़ को मेज़र करे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट बनाया, एज अ टीचर मैंने एक टेस्ट बनाया है मैथ्स की एबिलिटी चेक करने के लिए, मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए। तो वो टूल, जब भी उस टूल की हेल्प से जब भी मैं स्टूडेंट को असेस करूँगी, तो उसमें हम लैंग्वेज को नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट ने लैंग्वेज मिस्टेक्स की हैं या किस तरह की उसने इंग्लिश या हिंदी जो भी यूज़ करी है उस मैथ्स को करने के लिए, उस टेस्ट को करने के लिए। मैं उस लैंग्वेज को मायने नहीं दूंगी, उस लैंग्वेज को ऑब्जर्व नहीं करूंगी। सिर्फ मैंने उसमें क्या चेक करना है कि मैथमेटिकल नॉलेज कितनी है स्टूडेंट की, जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसी पर्पज़ के लिए हो, वो वैलिड हो, ट्रू हो एक एक सेंस में। सेकंड जो, ये तो था फर्स्ट जो क्वालिटी है वैलिडिटी की, वैलिड होना चाहिए, जिस एस्पेक्ट को मेज़र करने के लिए बनाया जाए उसी को मेज़र करे। सेकंड जो है रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं, सेकंड जो क्वालिटी है इवेल्युएशन टूल की कि वो रिलायबल होना चाहिए, चाहे हम किसी भी कंडीशन में वो टेस्ट लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ में वो टेस्ट लिया सेम स्टूडेंट का, तो उसके उस कंडीशन में भी सेम मार्क्स आए, कहीं और जाके मैंने किसी और जगह पे जाके उसको एडमिनिस्टर किया टेस्ट को सेम स्टूडेंट पे, सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे, तो भी सेम मार्क्स आए, तो ऐसे टेस्ट को हम रिलायबल मानते हैं। इसके लिए हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, एक जज है, जज उस केस के लिए हियरिंग हो रही है, और वहाँ पे उसके लिए गवाह है कोई, गवाह किसी भी केस के लिए जो गवाह है, गवाही देते हैं उसकी केस के बारे में जो गवाही देते हैं वो गवाह है, और उस गवाह को वकील ने बोला हुआ है कि आपने ये स्टेटमेंट देनी है। हमें नहीं पता वो स्टेटमेंट सच्ची है या झूठी है। अगर वो वही स्टेटमेंट बार बार हर कंडीशन में वही स्टेटमेंट देता है, जज के दूसरे वकील के, ओपोजिशन वाले वकील के बार बार अलग अलग तरह से पूछने पर भी सेम ही स्टेटमेंट देता है, तो उस गवाह को हम रिलायबल मानते हैं कि वो एक रिलायबल है, वो रिलायबल गवाह है, उसने जो भी स्टेटमेंट दी है वो बार बार सेम ही दी है हर कंडीशन में। हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, वो सच्ची ना स्टेटमेंट दे रहा हो, अगर गवाह सच्ची स्टेटमेंट भी देता है तो उसको हम वैलिड मानते हैं, वो जो सच्ची बात कह रहा है उसको हम वैलिड मानते हैं। पर जरूरी नहीं है, ये एक टूल के अंदर होता है कि जरूरी नहीं है कि जो एक टूल रिलायबल होगा, अगर जो टूल रिलायबल है वो वैलिड भी होगा, उसका वैलिड होना जरूरी नहीं है, पर जो एक वैलिड टूल होगा वो रिलायबल होगा ही होगा, जो सच्चा होगा वो बार बार वही बात बोलेगा, पर जरूरी नहीं है कि जो बार बार वही बात बोल रहा है वो वैलिड भी होगा। तो वैलिडिटी में जो क्वालिटीज हैं इवेल्युएशन टूल की, इन दोनों में ये रिलेशन भी है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में, कि टेस्ट अगर रिलायबल है तो वैलिड होगा ही होगा, ठीक है, पर अगर वो वैलिड है तो जरूरी नहीं कि वो रिलायबल होगा। थर्ड हम बात करते हैं
क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन टूल में ऑब्जेक्टिविटी की, जो टेस्ट जो है, जो भी इवेल्युएशन टेक्निक या टूल आप यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स मान लीजिए अगर मैं उस टेस्ट को चेक करती हूँ तो मैं भी सेम नंबर देती हूँ उसके लिए। मान लीजिए 50 मार्क्स का पेपर है और जब भी मैं क्वेश्चंस चेक करती हूँ तो उसके सेम मार्क्स आते हैं, स्टूडेंट के सेम मार्क्स आते हैं, 50 में से 43 मार्क्स आते हैं। अगर मेरा कोई कलीग और दूसरा टीचर कोई चेक करता है तब भी 43 मार्क्स आते हैं, तो उसको हम टेस्ट को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। अगर जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें जैसे आपके बीएड के ही टेस्ट हैं वो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, तो अगर मैंने मान लीजिए वो क्वेश्चन चेक किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तो मैंने 10 में से 8 मार्क्स दिए, किसी और ने, किसी और टीचर ने चेक किया तो उसने उसमें से 10 में से 6 मार्क्स दिए, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो कुछ हद तक सब्जेक्टिव ही होते हैं, वहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर जाता है, चेक करने वाले पे वेरी कर जाता है। तो एक अच्छे इवेल्युएशन टूल की ये भी एक क्वालिटी होती है कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, चाहे मैं चेक करूँ उसको चाहे कोई और चेक करे, मार्क्स सेम ही आने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिविटी है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है गुड इवेल्युएशन टूल की, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कि वो हर एस्पेक्ट को, जैसे मान लीजिए हम पर्सनैलिटी के लिए कोई टूल यूज़ करते हैं, कोई टेस्ट या टूल यूज़ करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, असेस करने के लिए, तो वो पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को असेस करे, ये नहीं कि वो एक डायमेंशन को असेस ना करे, सारे एस्पेक्ट सारे डायमेंशंस को असेस करे, ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए एक गुड इवेल्युएशन टूल के अंदर। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए। जब भी आप कोई भी टेक्निक या कोई भी टेस्ट लगाते हैं किसी स्टूडेंट के ऊपर तो वो क्लियर हो, स्टूडेंट को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आपके किस एस्पेक्ट को, किस नॉलेज को जज किया जाने वाला है, और टीचर को भी उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए उस टेस्ट का। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, कि इवेल्युएशन जो है कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने साल के बाद ही एक बार इवेल्युएट कर दिया, टेस्ट ले लिया और उसके बेस पे ही आपने स्टूडेंट को बता दिया, तो इवेल्युएशन प्रोग्राम, इवेल्युएशन टूल इस तरह का ना हो, उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी हो, आप रेगुलर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करें, रेगुलर उसके उसको के ऊपर टेस्ट लगाएं, रेगुलर उसको फीडबैक दें। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, जो भी टेस्ट बनाया जाता है, जो भी ऑब्जर्वेशन टूल है, जो भी उसके इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, आपने देखा भी है जब भी आपके टेस्ट आते हैं उसके अंदर ऊपर नोट लिखे होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने ए बी सी जो है इसके अंदर सेक्शंस हैं, ए सेक्शन से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बी सेक्शन, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हो वो क्लियर हों, स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर करने के लिए लैंग्वेज जो यूज़ करनी है, जो भी टेस्ट बनाता है, टीचर ने जो टेस्ट बनाया है वो लैंग्वेज उसकी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है गुड इवेल्युएशन टूल की, कि वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, ज़्यादा उसमें खर्चा ना आए उसको, क्योंकि हम देखते भी हैं कि हमारी जो इंडियन स्कूल्स होते हैं उनमें इतना पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, तो जो भी आप टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा ना आए उसको प्रिंट कराने में या उसको टाइप कराने में, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा खर्चीला ना हो टेस्ट। नेक्स्ट जो है क्वालिटी इवेल्युएशन टूल की है वो है मोटिवेशनल, जो आप जो भी टेस्ट बनाते हो जब आप उसको एडमिनिस्टर करते हो स्टूडेंट को और चेक करते हो, वो मोटिवेट करने वाला हो, मतलब उसकी स्टूडेंट की आपने वीकनेस निकाल के उसको डीमोटिवेट नहीं करना है कि आपको ये नहीं आता है, आप इसमें ऐसे स्टूडेंट हो, आपको इतना पढ़ाने के बाद भी ये नहीं आया, तो वो मोटिवेट करने वाला हो स्टूडेंट को, उसकी वीकनेस फाइंड आउट करके उसको रेमेडी देने वाला हो, उसको डीमोटिवेट करने वाला ना हो टेस्ट। नेक्स्ट है ईज ऑफ स्कोरिंग, उसको चेक करना आसान हो, जैसे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनकी स्कोरिंग की हमारे पास होती है और उनको चेक करना बड़ा ईजी होता है, आजकल तो उनको कंप्यूटराइज्ड भी चेक कर दिया जाता है, बड़ा ईजी होता है उनको चेक करना और स्कोर करना, तो टेस्ट इस तरह का हो उसको कि उसको स्कोर करना ईजी हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उसमें, बहुत ज़्यादा लेबर ना लगे उसको चेक स्कोर करने में।
नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो ईज ऑफ कंक्लूजन, इंटरप्रेट करना। अब आपने स्कोरिंग तो कर दिया, आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है कि स्टूडेंट का ग्रेडिंग क्या आई, किस तरह की ग्रेडिंग है या किस तरह की पर्सनालिटी। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आप नॉलेज चेक करने के लिए लगा रहे हैं, तो कितनी नॉलेज है स्टूडेंट को, उससे कंक्लूड करना, उससे कंक्लूजन निकालना भी, इंटरप्रेट करना भी आसान हो उसको टेस्ट को। नेक्स्ट है ईज ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई करना, एडमिनिस्टर करना भी आसान होना चाहिए, स्टूडेंट भी उसको देने के लिए तैयार हो, ऐसी इजी लैंग्वेज हो उसके अंदर, क्लियर हो टेस्ट, सारी जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी क्लियर हो स्टूडेंट्स को, तो उसको एडमिनिस्टर करना इजी रहता है, स्टूडेंट भी उसको देने के लिए, उसको करने के लिए इजी रहते हैं और टीचर भी उसको लेने के लिए इजी रहता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है टाइम सेविंग, कि जो भी आप टेस्ट बनाते हैं, वो जो भी आप इवेलुएशन टूल यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने उसको करना तो स्कूल टाइम में ही यूज़ है, तो स्कूल का जो टाइमिंग है वही यूज़ होता है इसके लिए, तो कम से कम टाइम यूज़ हो, टाइम सेविंग हो, इस तरह ना हो कि आपने 4 दिन ही वेस्ट कर दिए उस टूल को लगाने के लिए, या 1 महीना ही वेस्ट कर दिया उसको, और स्टूडेंट की जो स्टडी है वो सफ़र कर रही है इससे। तो टाइम सेवर होना चाहिए, जो भी आप टेक्निक लगाते हैं, जो भी आप टूल लगाते हैं, वो उसके अंदर ये क्वालिटी हो टाइम सेविंग की। तो हमने ये क्वालिटीज़ करी हैं इवेल्युएशन टूल की। सबसे पहली क्वालिटी थी वैलिडिटी, सेकेंड रिलायबिलिटी, थर्ड थी ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्लैरिटी हो उसके अंदर, कॉन्टिन्यूटी हो, सिंप्लिसिटी हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो उसके अंदर, और जो टूल है वो मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला, ईज ऑफ स्कोरिंग, उसकी स्कोरिंग करनी ईजी हो, इंटरप्रेट कंक्लूजन निकालना ईजी हो उसका, अप्लाई करना ईजी हो और टाइम सेविंग हो। तो ये हमने इवेल्युएशन टूल की बात करी है कि एक इवेल्युएशन टूल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, कितनी तरह की हम इवेल्युएशन यूज़ करते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि मेनली हम तो बीएड कर रहे हैं तो टीचर बनने ही जा रहे हैं, तो एज अ टीचर ही हम इसको डील करेंगे कि एज अ टीचर आपने किस तरह की इवेल्युएशन यूज़ करनी है स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए। पूरे एजुकेशनल प्रोग्राम को तो हम अकेले इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो एज अ टीचर आपने किस तरह, कितने टाइप्स की इवेल्युएशन हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ज़्यादातर हम स्कूल में आजकल इसको CCE के नाम से जानते हैं, कि बच्चों के ऊपर CCE लगाया जा रहा है, टीचर ने CCE करनी है, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये CCE क्या है। CCE है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो आपने लगातार करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स जो हर आस्पेक्ट की करनी है, सिर्फ उसके स्टूडेंट की नॉलेज ही नहीं देखनी है, सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं देखनी है, हमने उसके बिहेवियरल चेंजेस भी देखनी है, स्टूडेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है क्लास के अंदर, उसके कितनी नॉलेज उसको आ रही है, कितना मतलब उसको कॉन्टिन्यूसली आपने उसको ऑब्जर्व करना है क्लास के अंदर। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की एक बात है कि हम इसको हर टाइम, हर पल, जब भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, जब भी पढ़ा रहे हैं, एक वीक के अंदर भी, एक मंथ के अंदर भी जो इवेल्युएशन करते हैं, या हम हर पल जो क्लास के अंदर आपने थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद स्टूडेंट से पूछा उनकी वीकनेस डायग्नोज करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, वो सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में आती हैं। चाहे आप वीक के बाद टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप क्लास में थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने के लिए बाद टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, चाहे आप एक 6 मंथ के बाद टेस्ट ले रहे हैं, वो सारा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर आता है। और इसका हम एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी तैयार करना होता है, ताकि हम लास्ट में जब स्टूडेंट को लास्ट में जब हम उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार करते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मीन्स जिसमें उसका सारा रिकॉर्ड होता है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी की उस स्टूडेंट ने, उसने कितने कितने फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, वो सारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। उसके लिए ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन बहुत बेनिफिशियल होती है, और इस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन का हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना ही रखना होता है। सेकेंड जो है टाइप इवेल्युएशन की है वो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसका जो मेन पर्पस होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का,
इसका हम ऑफिशियल रिकॉर्ड रख भी सकते हैं और नहीं भी, इसका कोई जरूरी नहीं होता है। एफए की जो हम बात करते हैं, स्कूल्स में आप जनरली टीचर्स को एफए की बात करते सुनेंगे, स्टूडेंट्स को भी बात करते सुनेंगे कि एफए एफए है आज हमारा या कल एफए लेना है मैंने। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन मीन्स जो आप हर रोज आप क्लास लेते हैं स्टूडेंट की, 40 मिनट की जो आप क्लास लेते हैं, उस क्लास के बीच में कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद जो आप इवेल्युएट करते हैं, जो आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, इसका मेन जो पर्पस होता है स्टूडेंट की वीकनेस जानना, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या उनको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज को देखने के लिए हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं। रेगुलर हम क्लास में करते हैं जब भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं। इसका एक तो पर्पस है स्टूडेंट की वीकनेस डायग्नोज करना, दूसरा इसका पर्पस है टीचर अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को भी इवेल्युएट करता है इसकी हेल्प से, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की हेल्प से। जब भी वो स्टूडेंट को पढ़ाता है टॉपिक, उसके बाद वो स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करता है, तो अगर क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स आते हैं, मोस्टली क्लास से रिस्पॉन्स आते हैं, तो टीचिंग मेथडोलॉजी टीचर को भी फीडबैक मिल जाती है कि जो वो पढ़ा रहा है वो ठीक पढ़ा रहा है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर्स नहीं देते हैं तो उससे आपको भी फीडबैक मिलती है कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी में शायद कोई कमी है, इस वजह से स्टूडेंट उस चीज़ को नहीं ले पा रहा है। तो फॉर्मेटिव इवेलुएशन का दोनों पर्पस हैं, स्टूडेंट को भी रेगुलर इवेलुएट करना और अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को भी इवेलुएट करना। तो इसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा भी जा सकता है और नहीं भी रखा जा सकता, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी नहीं होता है। थर्ड टाइप की जो इवेलुएशन है वो है समेटिव इवेलुएशन। समेटिव इवेलुएशन का जो मेन एम है, जो पर्पस है, वो स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेशन करना, उनकी क्लासिफिकेशन करना, स्टूडेंट्स को किसी भी एक्टिविटी के बेस पे उसको क्लासिफाई करना कि ये स्टूडेंट जो है वो पेंटिंग में अच्छे हैं, ये स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, क्लासिफाइंग करना या ग्रेडिंग करना। एक क्लास से दूसरी, फोर्थ क्लास में आप एंड में टेस्ट लेते हैं, तो उसका मेन मकसद जो होता है स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, डिग्री देना या नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेड के अंदर प्रमोट करना, इसका मेन पर्पस है समेटिव इवेलुएशन का, और इसका भी हमें रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो तीन टाइप्स की इवेलुएशन की बात करी हमने, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन जो हम रेगुलर करते हैं क्लास में, हर पल हर टाइम हर वीकली करते हैं, जो भी टेस्ट लेते हैं यूनिट वाइज करते हैं वो इवेलुएशन आती है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन जो है वो हम यूनिट, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बीच में जो इवेलुएशन करते हैं। थर्ड जो थी वो समेटिव इवेलुएशन है, जो हम एंड ऑफ द ईयर जो, और जिसका मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को सर्टिफिकेशन करना या नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव इवेलुएशन के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। मेनली हम स्कूल्स में बात करते हैं फॉर्मेटिव एफए और एसए की, समेटिव इवेलुएशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो अभी हमने बात की है जो फॉर्मेटिव इवेलुएशन है उसका जो मेन एम है टीचर उससे अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को इवेलुएट करते हैं, दूसरा वो स्टूडेंट की जो वीकनेस है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें उसकी वीकनेस को डायग्नोज करता है और उसकी रेमेडी देता है, और समेटिव इवेलुएशन का जो मेन पर्पस है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है और उनकी ग्रेडिंग करना है। दूसरी हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवेलुएशन के बारे में कि फॉर्मेटिव इवेलुएशन फीडबैक प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी, जबकि समेटिव इवेलुएशन कोई इस तरह की फीडबैक प्रोवाइड नहीं करती। तीसरी हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवेलुएशन जो है स्टूडेंट्स की वीकनेस को डायग्नोज, स्ट्रेंथ और जो उनकी वीकनेस है उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि समेटिव जो इवेलुएशन है वो स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनको सर्टिफिकेशन देने के लिए या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करने के लिए की जाती है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है, जबकि जो समेटिव इवेलुएशन है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, वो सिर्फ इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए है। नेक्स्ट जो है दोनों के अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे फॉर्मेटिव इवेलुएशन में जो रिजल्ट है उनको आप ऑफिशियली रिकॉर्ड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जबकि समेटिव इवेलुएशन में रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना ही करना होता है। ये एक रेमिडियल प्रोसेस है, फॉर्मेटिव इवेलुएशन एक रेमिडियल प्रोसेस है, जबकि समेटिव इवेलुएशन में हम फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि स्टूडेंट किस तरह किस फील्ड में अच्छा होगा, क्या उसको सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। समेटिव इवेलुएशन के लिए अंदर जो टेक्निक यूज करी जाती है वो यूनिट टेस्ट है, असाइनमेंट है, जबकि समेटिव इवेलुएशन में हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो सेमेस्टर एग्जाम है, टर्म एग्जाम है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था।
तो आज के टॉपिक के लिए हमारा इतना ही है। होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।